सो फ्रेंड, आज ही हमारे पास अनबॉक्सिंग के लिए रेडमी नोट 7S आज इस डिवाइस की करने वाला हूँ मैं अनबॉक्सिंग, और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसके बॉक्स कंटेंट में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल जाएगा और ये डिवाइस कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विवेक, आप देख रहे हैं शर्मा जी दर्श। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा डिवाइस का बॉक्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाइट कलर का बॉक्स है। यहाँ पर डिवाइस की फोटो आप लोगों को दिख जाएगी। ये जो डिवाइस है तीन कलर में अवेलेबल है, रेड, ब्लू और ब्लैक, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रेडमी नोट 7S 48 मेगापिक्सल AI कैमरा, जो कि इस डिवाइस का हाईलाइट है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक और सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक और बॉक्स आप लोग को दिया गया है, तो इसे भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मल सेम ही पैकेजिंग की गई है जैसे आप लोग को MI के डिवाइस में मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग को सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग को वही सेम यहाँ पर TPU केस मिलने वाला है और यूज़र गाइड मिलने वाली है, वो भी मैं आप लोगों को निकाल कर दिखा देता हूँ। तो ये रहा हम लोग का यूज़र गाइड और मैनुअल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर वर्क आप लोग को दिया गया है, तो इसे भी मैं साइड में कर लेता हूँ। और यहाँ पर सेम आप लोगों को यहाँ पर केस मिल जाएगा, जो कि ट्रांसपेरेंट केस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम है, इसे मैं हटा देता हूँ फिलहाल, साइड में कर लेते हैं और देखते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो ये रहा हमारा डिवाइस, तो इसे भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने मंगाया है रूबी रेड कलर में, तो ये आप देख सकते हैं रूबी रेड कलर में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल इस डिवाइस को तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, और आगे बढ़ते हैं अपने बॉक्स की तरफ और बॉक्स कंटेंट की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे प्लेस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इस ट्रे को हम यहाँ पे से हटा लेते हैं। ट्रे को हटाने के बाद यहाँ पर आप लोग को सेम आप लोगों का केबल मिल जाएगा, टाइप सी केबल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर में अवेलेबल है, तो इसे मैं आप लोग को ओपन करके दिखा दूँ। तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइप सी केबल है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस डिवाइस में आप लोगों को टाइप सी दिया गया है। मैं आप लोगों को फोकस करके दिखा दूँ, ये देखिए। चलिए इसे भी हम लोग कर लेते हैं साइड में, उसके बाद आ जाते हैं बॉक्स की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग को एक चार्जर मिल जाएगा। तो ये जो चार्जर है ये नॉर्मल चार्जर है, 10 वॉट का चार्जर है। हालांकि ये जो डिवाइस है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, क्विक चार्ज 4 को, लेकिन यहाँ पर आप लोग को एक नॉर्मल चार्जर ही मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को फास्ट चार्जर नहीं मिलता है बॉक्स में, आप इसे बाहर से मार्केट से मतलब ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे सब हम हटा लेते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा मेन डिवाइस, तो ये देखिए। तो मैंने नोट 7 का अनबॉक्सिंग किया हुआ है, गेमिंग किया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसका मैं जो लिंक है नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये डिवाइस बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा इस डिवाइस में नोट 7S में। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर कैमरा में चेंज मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा। वहाँ पर आप लोग को मिलता था 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा, और मतलब नोट 7 में मिलता था 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा, और नोट 7S में आप लोग को मिल जाएगा 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा। उसके अलावा यहाँ पर डिवाइस में कोई चीज़ चेंज नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को सेम मिलेगी। ये स्टिकर भी मैं आप लोगों को हटा कर दिखा देता हूँ इसके कलर को, ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये डिवाइस का लुक पता चल पाए। तो ये स्टिकर मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, दोनों स्टिकर। तो इस स्टिकर को भी हम हटा लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर में डिवाइस काफ़ी ज़्यादा प्यारा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डिवाइस का यहाँ पर सामने में जो रैपर है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 48+5 मेगापिक्सल का यहाँ पर आप लोगों को कैमरा है। यहाँ पर सेम आप लोग को स्नैपड्रैगन 660 मिलने वाला है, और यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा 6.3 इंच का फुल HD प्लस डॉट नॉच वाला डिस्प्ले, जो कि सेम है। और यहाँ पर आप लोग को 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। सेम आप लोग को नोट 7 और नोट 7 प्रो में भी मिलता है। यहाँ बस वहाँ पर आप लोग का जो प्रोसेसर है वो 675 है, और वहाँ का भी जो आप लोग को 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है मिलता है सोनी का सेंसर, और यहां पर आप लोगों को मिलेगा सैमसंग का सेंसर। तो चलिए मैं इसे यहां से रिमूव कर लेता हूं, ताकि मैं आप लोगों को डिवाइस को अच्छे से दिखा पाऊं। तो यहां से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूं। तो यहाँ पर ये हम अपना डिवाइस ऑन कर लेते हैं। डिवाइस ऑन करके मैं इसका सेटअप कंप्लीट कर लेता हूं। सेटअप कंप्लीट करने के बाद फिर से आता हूं आप लोग के पास, और बाकी की चीजें डिवाइस के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा डिवाइस सेटअप हो चुका है। सेटअप होने के बाद आप लोगों को जो फर्स्ट व्यू मिलेगा आपके होम स्क्रीन पर, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही मिलने वाला है जैसे आप लोगों को नोट 7 और नोट 7 प्रो में मिलता है। सेम आप लोगों को नोट 7S में भी मिलेगा। यहाँ पर जो इसका सॉफ्टवेयर है वो भी बिल्कुल सेम है। मैं आप लोगों को एक बार सेटिंग में ले जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम सेटिंग्स पर चले जाते हैं, अबाउट फोन पर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिस्टम अपडेट अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस आप लोगों को कम करके दिखा दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिस्टम अपडेट आ चुका है, जिसे मैं अपडेट कर लूँगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप लोग को सेम यहाँ पर एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट मिलेगा और MI 10 का सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है। ये जो डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है ये 3GB और 32GB वाला वेरियंट है, और यहाँ पर आप लोग को एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है 660, जो कि 2.2 GHz पर रन करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मतलब प्रोसेसर भी बिल्कुल सेम है नोट 7 की तरह। यहाँ पर कैमरा ही चेंज हुआ है, वो भी बैक साइड में। फ्रंट कैमरा तो 13 मेगापिक्सल का बिल्कुल सेम है, जैसा आप लोग को डॉट नॉच मिलता है वैसे ही बिल्कुल
सेम है यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग को जो चेंज मिलता है वो मिलता है बैक साइड। तो चेंज के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ, बाकी अगर आप लोग को डिटेल में इसका वीडियो देखना है मतलब नोट 7 का, तो आप नोट 7 देख सकते हैं, उसमें कैमरा को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ही सेम है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग को चेंज मिलेगा 48 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर आप लोग को जो मेन सेंसर मिलता है वो है सैमसंग की तरफ से GM1, जो कि 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, और यहाँ पर आप लोग को 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग का कैमरा मिलता है। तो इससे आप अच्छी खासी पोर्ट्रेट फोटो ले सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके का ये डिवाइस है, आप देख सकते हैं कलर भी आप लोग को जो रूबी रेड है ये सेम आप लोग को नोट 7 में भी मिलता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो डिवाइस अब बंद हो चुका है, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया है MI ने उसे। तो जो उसके स्टॉक हैं वही बस बचे हुए हैं, बाकी आप लोग को आगे आप लोग को नोट 7 ऐसे ही मिलेगा। नोट 7 अब यहाँ मान के चलिए कि बंद हो गया है, उसके बाद आप नोट 7 प्रो भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये डिवाइस है, देखने में काफ़ी अच्छा लगा। कैमरा का मैं इसका वीडियो बनाने वाला हूँ कैमरे के ऊपर, कैमरा का मैं आप लोग को सैंपल बहुत सारे फोटोज वीडियोज में आप लोग को दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि ये डिवाइस कितना अच्छा करने वाला है नोट 7 से और नोट 7 प्रो से। तो दोनों से अपन कंपेयर करके देख लेंगे, और गेमिंग भी मैं इसका कंप्लीट आप लोगों को करके दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये डिवाइस गेमिंग परफॉर्मेंस में कैसा है। हालांकि आप मेरा इसका अनबॉक्सिंग देख सकते हैं नोट 7 और उसका गेमिंग भी देख सकते हैं क्योंकि प्रोसेसर तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही वीडियो का लिंक आप लोग को नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए उस वीडियो तक पहुँचना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसका क्विक अनबॉक्सिंग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को इसकी अनबॉक्सिंग पसंद आई, ये डिवाइस आप लोगों को अगर पसंद आया नोट 7S, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।